हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वन डीप मेकअप चैलेंज लुक, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। मैंने भी यूट्यूब पर देखा था, सो मुझे लगा कि मुझे भी ये ट्राई करना चाहिए। और लास्ट जो मैंने चैलेंज लुक किया था वो था चिट्स चैलेंज मेकअप। तो अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा मुझे मज़ा आया था वो लुक क्रिएट करने में। सो आज मैं कर रही हूँ वन डीप मेकअप चैलेंज लुक। सो वन डीप एक्सप्लेन करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बहुत सी वीडियोस हैं, आपने देखी भी होंगी, बट फिर भी मैं बताती हूँ। वन डीप का मतलब है कि वन डीप अगर मैं जैसे सेटिंग्स पे भी यूज़ करना है तो मुझे सिर्फ एक ही बार स्प्रे करना है, सिर्फ वन डीप। सो जो भी मैं प्रोडक्ट लूँगी सो मुझे एक ही बार उसे लेना है और उसे अप्लाई करना है अपने फेस पर। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और यहाँ पर मैं सबसे पहले यूज़ करूँगी NYBA का फेस सीरम है, सो इसे मैं अप्लाई करूँगी। और इसे मैं सिर्फ एक ही बार जितना भी आएगा उतना लूँगी। सो इनफ है, इतना बहुत है। और इसे इस तरीके से मैं अपने जितना भी है उतना ही मैं यूज़ करना है। तो फेस सीरम के बाद मैं ले रही हूँ लिप बाम। तो ये डिप नहीं कर सकती, तो मैं एक फिंगर में जितना भी मेरा अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है तो मैं जितना भी फिंगर में लूँगी सिर्फ मुझे वही यूज़ करना है। तो इसे तो इसके बाद मैं अपने स्किन को मॉइस्चराइज करूँगी। और मॉइस्चराइज़र के लिए मैं ले रही हूँ, यहाँ पर मेरे पास है बायोटिक का मॉइस्चराइज़र, और ये पंप वाला नहीं है। तो इसे इस तरीके से मैं लूँगी एंड दैट्स इट। और इसे मैं अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई करूँगी। तो आप देख सकते हैं इतना मेरे पास आया है, और इसे मैं अच्छे से जहाँ भी मेरी ड्राई स्किन ज़्यादा है वहीं अप्लाई कर रही हूँ। तो प्रोडक्ट जो भी है कम है ज़्यादा है आपको उतना ही अप्लाई करना है। जो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा है मेरे, तो मैं इसके लिए 303 यूज़ करती हूँ, और आज भी मैं यही यूज़ करूँगी। एंड मैं फिंगर से लूँगी, तो थोड़ा सा मैं अच्छे से प्रोडक्ट को लूँगी ताकि मैं अच्छे से अप्लाई कर सकूँ। तो इसे मैं अपने डार्क एरियाज पर अप्लाई करूँगी, अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी इसे। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर पंप वाला स्टे क्विक का फाउंडेशन है, और ये पंप वाला है। तो जितना भी वन पंप में आएगा उतना ही मुझे लेना है। सो ये मुझे यूज़ करना है। तो इसके बाद इसे मैं अपनी स्किन पर पहले अच्छे से लगा लूँगी। ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड करूंगी। नेक पे नहीं लग पाया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी इसकी कम थी, सो मैंने इसे फेस पर ही इसे अप्लाई किया है, आप देख सकते हैं। बट फिर भी बहुत ही अच्छा है, ठीक है। ओवरऑल ये पूरे फेस पर लग चुका है एंड अच्छे से ब्लेंड भी हो गया है। तो इसके बाद मैं यूज़ करूँगी कंसीलर, NYBA का कंसीलर है, एंड वन डिप मुझे लेना है। तो इस तरीके से मैं निकालूँगी, और जितना भी निकलेगा उतना ही मुझे यूज़ करना है। सो इस तरीके से ये भी हो चुका है, अच्छे से ब्लेंड हो गया है एंड ठीक है। फेस मेरा बेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है,
और मैं इसे सेट करूँगी। और इसके लिए मैंने लिया है लूज़ पाउडर जो ब्लू हेवन का है, तो इसे मैं अच्छे से स्पंज में ले लूँगी ताकि मुझे दोबारा ना लेना पड़े। एंड इसे सेट करूँगी जहाँ भी मुझे ये अप्लाई करना है। तो इसके बाद मैं यूज़ करूँगी अपनी आईब्रोज को फिल करूँगी। तो उसके लिए मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी की आईब्रो डिफाइनर, एंड एक ही बार मुझे लेना है और ये बहुत मुश्किल है। मेरी आईब्रोज जो है बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्ट मुझे इन पे यूज़ करना पड़ता है, बट आई ट्राई। सो एक ही बार मैं ये ले रही हूँ और आप देख सकते हैं मैंने आईब्रो फिल कर ली है और ये थोड़ी सी लाइट है और सो के इतना चल जाता है। सो अब मैं करूँगी अपना आई मेकअप। उसके लिए मैं लूँगी स्विस ब्यूटी की आई शेडो पैलेट और इसका मैं जो ये लाइट शेड है ये यूज़ करूँगी। तो इसके लिए मैं ब्लेंडिंग ब्रश लूँगी एंड यहाँ मैं ये वाला शेड लूँगी और अच्छे से मैं इसे एक ही बार में ले लूँगी एंड देन अच्छे से ब्लेंड करूँगी मैं इसे। बहुत ही पिगमेंटेड पैलेट है एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, सो इसलिए मैंने इसे उठाया है ताकि मुझे वो ज़्यादा प्रोडक्ट की ज़रूरत ना पड़े। और ये मेरी जो टॉप से मैच करता हुआ शेड है सो इसलिए मैंने इसे ही लिया है। एंड आप देख सकते हैं ये बहुत ही इजीली अच्छे से ब्लेंड हो गई है एंड पूरी आईज़ पर अप्लाई भी हो गई है। तो आईज़ के लिए मैं लूँगी शिमर यूज़ करूँगी एंड ये शिमर है स्विस ब्यूटी का ही है अगेन, एंड इसे वन डिप मैंने ले लिया है और दोनों आईज़ पर मैं इसे अप्लाई करूँगी ताकि थोड़ा सा मुझे आईज़ पर थोड़ा और अच्छा लुक मिले। इसे फिंगर से मैं बहुत ही सिंपल आई मेकअप हुआ है बट इट्स ओके, ठीक है। तो यहाँ मेरा आई मेकअप आई शेडो आई मीन कंप्लीट हो चुकी है और इसके बाद मैं लूँगी आईलाइनर। आईलाइनर मैंने लिया है ब्लू हेवन का लिक्विड लाइनर है और इसे भी मैं एक ही बार लूँगी और वही मुझे दोनों आईज़ पर लगाना है। सो ये ले लिया है मैंने और इसे मैं अप्लाई करूँगी। आप देख सकते हैं विंग्स मैंने नहीं निकाले हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा आईलाइनर यूज़ करना पड़ता है उसमें। सो यहाँ पर मेरा आई मेकअप कंप्लीट हो गया है ऊपर का। देन मस्कारा मैं यूज़ करूँगी और मस्कारा मैं ले रही हूँ ब्लू हेवन का मस्कारा है और इसी भी मैं सिर्फ एक ही बार अच्छे से लूँगी। यूज़ करूँगी स्विस ब्यूटी का सेम शेड जो मैंने ऊपर की तरफ लिया था और मैं काजल नहीं लूँगी आज, स्किप कर रही हूँ, सिर्फ मैं लगाऊँगी आई शेडो। सो आई मेकअप कैसा लगा आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।
सो यहाँ मेरा आई मेकअप कंप्लीट होता है। आई लैशेज भी मैं अप्लाई नहीं करने वाली हूँ, तो इसके बाद मैं लूँगी मुझे कंटूरिंग करनी है नोज़ की, तो मैं यहीं से ब्राउन कलर लूँगी एंड सिर्फ मैं नोज़ की कंटूरिंग करूँगी इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं इसके बाद मैं यूज़ करूँगी स्विस ब्यूटी की का ब्लशर है ये, एंड इसका मैं जो ये लाइट वाला शेड है वो अप्लाई करूँगी और सिर्फ एक ही बार मुझे लेना है, तो वो अच्छे से मैं प्रोडक्ट लूँगी दोनों साइड्स एंड देन मैं अप्लाई करूँगी। तो इसके बाद मैं यूज़ करूँगी हाइलाइटर। हाइलाइटर की मैं के लिए ले रही हूँ लस्टर की पैलेट है, तो इससे मैं हाइलाइटर लगाऊंगी अच्छे से वन डे है। तो आप देख सकते हैं हाइलाइटर एंड थोड़ा सा लाइट शेड है, थोड़ा लाइट है तो, बट फिर भी ओवरऑल अच्छा है। और यहाँ पर मैं लिपस्टिक के लिए यूज़ करूँगी ये है, सो मैंने लिपस्टिक अप्लाई कर ली है एंड ये है मेरा वेट वन। एक चीज़ और है मेरा मेकअप फिक्सर, सो इसे मुझे एक ही बार स्प्रे करना है एंड सो यहाँ मैंने कर लिया है मेकअप फिक्सर और ये मेरा मेकअप कंप्लीट हो चुका है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर मुझे पसंद आया हो तो बहुत ही लाइट और नेचुरल मेकअप हुआ है वन डीप मेकअप चैलेंज एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया ये मेकअप चैलेंज करने में। एंड अगर इसी तरीके के और भी चैलेंजेस मेरे सामने आएंगे तो मैं ज़रूर क्रिएट करूँगी, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है इस तरीके की चैलेंजेस करने में और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड बहुत ही ज़्यादा मुझे मज़ा आता है इस तरीके के मेकअप क्रिएट करने में। सो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं एंड ये मेरा मेकअप लुक है एंड अच्छे से कंप्लीट हो चुका है, तो वन डीप में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम नेचुरल मेकअप लुक हुआ है। सो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।